नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। संघर्ष और शौर्य से भारतीय सूरवीरों ने हासिल की थी फतह। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। का विजय दिवस माँ भारती की आन बान और शान का प्रतीक। रक्षा मंत्री ने नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर आज भाजपा निकालेगी तिरंगा यात्रा। पीएम मोदी ने कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद को दी बधाई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने पर दिया जोर। पार्थ चटर्जी को अस्पताल में नहीं थी भर्ती होने की जरूरत। भुवनेश्वर एम्स से लौटते ही ईडी दफ्तर ले गए अधिकारी। ईडी के सामने आज दूसरी बार होगी सोनिया गांधी की पेशी। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है मामला। कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जमानत याचिकाओं में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार। सुप्रीम कोर्ट बोला कुछ अलग सोचें, छुट्टियों में भी करें काम। एससीओ सम्मेलन में आमने सामने होंगे एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो। चीनी विदेश मंत्री वांग भी रहेंगे मौजूद। बातचीत होने के आसार। भारत को छोड़कर ज्यादातर बड़े देशों पर पड़ेगी मंदी की मार। जो बाइडेन बोले मंदी के दौर में नहीं जा रहा है अमेरिका। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से यूपी एसटीएफ ने की पूछताछ। नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों के ठगी का है मामला। बाला बाग के कुएं में सिक्के नहीं फेंक सकेंगे पर्यटक। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पैसे डालने पर लगाई रोक। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध का छठा माह शुरू। यूक्रेनी हमले में रूसी गोला बारूद के 50 रिपो नष्ट। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन 2021 में 8.3% घटा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा मामलों में पिछले वर्ष 500% की बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में दी लिखित जानकारी। कोरोना के चलते भारत से जाने वाले यात्रियों पर पाकिस्तान की नजर। बाघा सीमा हवाई अड्डे और करतारपुर सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। देश के कई राज्यों में सावन की रिमझिम और झमाझम बारिश। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। गुजरात के बोतर जिले में जहरीली शराब पीने से 19 की गई जान। 40 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम केजरीवाल ने जहरीली शराब त्रासदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा जो लोग शराब बेच रहे हैं उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। हिमाचल में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण को केजरीवाल ने किया संबोधित। कहा हमारी विचारधारा का पहला स्तंभ ईमानदारी और दूसरा देशभक्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर हुए कोरोना पॉजिटिव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हुए थे शामिल। PSL की संपत्तियां बेचने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं। सेबी बोला 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं दस्तावेज। उद्धव ठाकरे ने सामना में दिया इंटरव्यू में शिंदे गुट पर बोला हमला सड़े पत्तों से की तुलना। कहा पतझड़ में सड़े पत्ते झड़ गए। मिजोरम में भाजपा के इकलौते विधायक को 1 साल की जेल। विशेष सहायता निधि से 1.37 करोड़ के गमन में सुनाया फैसला। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का संरक्षित स्मारक है कुतुब मीनार के पास मुगल मस्जिद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंकी पॉक्स की स्थिति का लिया जायजा। बोले लक्षण दिखने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भेजा जाएगा LNJP। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर ने निकाली कांवड़ यात्रा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए की पैदल यात्रा। सीएम खट्टर ने गुरुग्राम में शुरू किया पुलिस का स्मार्ट ई बीट सिस्टम। बोले डायल 112 पर मिलने वाली सेवाओं में आएगी तेजी। पटना में होगी बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बिहार की 200 सीटों पर विशेष ध्यान देने का पार्टी ने बनाया प्लान। कानून के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा ने बघेल सरकार को घेरा। धर्मलाल कौशिक बोले छत्तीसगढ़ बन गया है अपराधियों का ठिकाना। कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ उतरे झारखंड के वकील। बोले इस कदम से न्याय से वंचित हो जाएंगे गरीब पीड़ित। मेरठ के एक कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल। हनुमान चालीसा पढ़ने गए हिंदू जागरण मंच के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज करेगी राजस्थान सरकार। गहलोत बोले संतों ने जहां आंदोलन चलाया वो अवैध नहीं वैध खनन। पीयूष गोयल ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को किया संबोधित। बोले 30 साल में $30,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। दिल्ली और हरियाणा के चुनिंदा मार्गों पर शुरू हो सकती है स्काई बस सेवा। गडकरी बोले NCR में ट्रैफिक कम करने के लिए बनेगी योजना। गुजरात के मवेशियों में फैल रहे LSD पर केंद्र की नजर। बारीकी से निगरानी के लिए गुजरात और राजस्थान भेजी गई टीमें। केंद्रीय सतर्कता आयोग चलाएगा 3 महीने का विशेष अभियान। लंबी शिकायतों के निस्तारण के लिए तय की समय सीमा। आज से शुरू होगी 4 लाख करोड़ की 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल समेत 4 कंपनियां लगाएंगी बोली। ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए अब तक भरे गए 3 करोड़ से अधिक रिटर्न। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2022 की अंतिम तिथि।
ईडी ने वीवो मामले को बताया आर्थिक प्रणाली को अस्थिर करने का प्रयास का। चीनी कंपनी ने किया संप्रभुता पर खतरा पैदा करने का प्रयास। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के दावे पर मचा बवाल, बोले कैथोलिक मिशनरीज नहीं होती तो तमिलनाडु बन जाता बिहार। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में लंबित हैं सबसे ज्यादा परियोजनाएं, रेलवे खंड के लिए 127 और पेट्रोलियम क्षेत्र में 91 परियोजनाएं अटकी। राज्य में 12 और इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी ओडिशा सरकार, पटनायक बोले 6 करोड़ टन सालाना उत्पादन हासिल करना लक्ष्य। नीति संशोधन के बाद रक्षा क्षेत्र में आई 494 करोड़ रुपए की FDI, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में दी जानकारी। बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव ने किया आत्मसमर्पण, 24 साल पुराने मामले में अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। तीस्ता शीतलवाड़ मामले के बाद पूर्व DGP श्री कुमार पर खुलासा, SIT ने कहा दंगा मामले में लोगों को फंसाने की रची थी साजिश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सांसदों के निलंबन को बताया उचित, बोले महंगाई पर चर्चा कराने को लेकर तैयार है सरकार, विपक्ष कर रहा है हंगामा। गरीबी को लेकर पिछले एक दशक से जारी नहीं हुआ कोई आकलन, 2011-12 में केंद्र सरकार ने जीवन स्तर पर जारी की थी रिपोर्ट। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले सब्सिडी बंद करो जनता को निचोड़ो नीति पर चल रही है भाजपा। जल्द नारकोटिक्स रोधी कार्यबल गठित करेगी राजस्थान सरकार, गहलोत बोले नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगेगा नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया झटका, 150 करोड़ रुपए के लेनदेन मामले में भेजा नोटिस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।